Please press the subscribe button and the bell icon to never miss an update. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दोस्तों, ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि हम जैसे एक्टरों की जिंदगी हर कदम में एक नई जंग होती है। तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू डी टी शो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन और मेरा एक्सपीरियंस कि एज एन एक्टर शूटिंग में क्या क्या होता है। सो गाइस, इस बार मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, कोई डायलॉग नहीं लिखे हैं। ये पूरा इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन वीडियो आप बोल सकते हो, और जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, शूटिंग में जैसे मैं एक एक्टर हूँ, मुझे एक ऑडिशन के लिए कॉल आता है और कहते हैं कि कोरोना के चक्कर में हमें घर पे ही ऑडिशन बनाना पड़ता है। और जैसे हम वो ऑडिशन बनाते हैं और ऑडिशन बनाने के बाद हम भेज देते हैं उनको, भेजने के बाद हम वेट करते हैं, अगर कॉल नहीं आया तो दूसरा कोई ऑडिशन देते हैं। और हम मैं तो कहता हूँ कि एक बार आपने ऑडिशन दे दिया इसको भूल जाइए। अगर आप शॉर्टलिस्ट से सिलेक्ट होते हैं आपके सामने से कॉल आ जाएगा। आप कास्टिंग वाले को, कोऑर्डिनेटर को बार बार परेशान नहीं कीजिए कॉल करके, कर कुछ हुआ कुछ हुआ। अरे भाई, कुछ होगा तो डेफिनेटली तुमको कॉल करेगा, वो भूलेगा नहीं, क्योंकि भाई उसको भी कमीशन मिलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से। तो ऐसा होता है। फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कॉल आ जाता है प्रोडक्शन हाउस से। कास्टिंग वाला पहले कॉल करता है, बोलता है कि आप लॉक हो गए हो। लॉक, लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। आप लॉक हो गए क्योंकि क्या है कि हम जैसे एक्टर्स जो हैं, व्हाट्सएप और उम्मीद यही दोनों के सहारे जीते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि आप लॉक हो गए हो। तो जैसे ही लॉक हो जाते हैं तो हमको प्रोडक्शन से कॉल आता है। कॉल आता है तो वो बताते हैं आपका ये दिन शूटिंग है, आपको ये टाइम पे आना है। बोला ठीक है। और मैसेज भी आता है, व्हाट्सएप आता है, उस पर हम कन्फर्मेशन देते हैं ओके। कभी कभी क्या होता है कि वो कहते हैं आप कुछ अच्छे फॉर्मल्स लेकर आइएगा, जीन्स टी शर्ट लेकर आइएगा, अगर आपके पास अच्छे हैं तो। हमारे पास तो होते ही हैं, मतलब उनके पास होते ही हैं, फिर भी वो हमारे ऑप्शंस भी देखना चाहते हैं। सॉरी सॉरी अगेन। तो फिर बाद में मैं इनको कुछ फोटोज़ भेजता हूँ फॉर्मल्स के, टी शर्ट्स के। वो कहते हैं हाँ, ये एक दो लेकर आइएगा जस्ट इन केस अगर लगा तो। कभी कभी कहते हैं जूते लेकर आइएगा एक्स्ट्रा, कब बोलते हैं कि बेल्ट अच्छा लेकर आइएगा, कब बोलते हैं कि वॉच लेकर आइएगा, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉल टाइम जैसे आता है, कॉल टाइम मतलब जो मैसेज आता है कि ये टाइम पे हमें पहुंचना है, आप ट्राई कीजिए कि 5-10 मिनट पहले ही पहुंच लीजिए, या अगर लेट भी पहुंच रहे तो मैक्स टू मैक्सिमम 10-15 मिनट आप लेट पहुंचिए। बेसिकली क्या ये डिसिप्लिन का मामला है। चाहे आपका जो सीन होता है वो सीन कब आता है क्या होता है वो भी आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हैं, टाइम पे पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे एक गेट कीपर रहेगा, दरबान रहेगा, इसको दरबान नहीं बोलते, कोई असिस्टेंट रहेगा वहाँ पे। वो आपको, आप उनको बोलिएगा कि हाँ मैं ये एक डॉक्टर के कैरेक्टर के लिए आया हूँ। बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप वो वाली वैनिटी वैन में बैठ जाइए, बाहर लिखा होगा वैनिटी वैन के बाद डॉक्टर कैरेक्टर। नॉर्मली क्या होता है कोरोना के चक्कर में एक या दो जन ही बैठते हैं वैनिटी वैन में, दो जन भी नहीं बैठते, एक ही बैठता है। लेकिन वैनिटी वैन में घुसने के पहले वो आपका चेक करेंगे, अपना टेम्परेचर और सर पे या हाथ में लगा के, और आपको मास्क देंगे और आप सैनिटाइज करेंगे हाथ, और वहाँ पे लिखेंगे आप कितने बजे पहुँचे हैं। वहाँ पे एंट्री होती है। तो एंट्री होने के बाद आप वैनिटी वैन में बैठते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, मुंह वो धो लेते हैं। फिर आपके कपड़े आते हैं, एक कॉस्ट्यूम एडी आपका कपड़ा, एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, कपड़े लाता है और देखते हैं सर आपके ये कपड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है बढ़िया है। फिर कई बार क्या होता है कि एक जन और भी आ जाते हैं, एक वैनिटी में एक दो जन होते हैं तो हम दोनों बातें करते हैं, दोनों एक्टर्स होते हैं, बातें बातें करते हैं। फिर कपड़े पहनते हैं, मेकअप होता है, मेकअप दादा आते हैं, हमारा टचअप करते हैं, मेकअप करते हैं, मेकअप करते हैं। फिर बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, वो हमें स्क्रिप्ट देता है कि सर ये आपके डायलॉग है, और वो समझाते हैं सर आप एक फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, आपको ये मरीज़ है, बच्ची है, आपको इनका चेकअप करना है, और ये डायलॉग्स हैं बोलने हैं, ये दवाइयाँ लिख के आप देंगे, ये सब चीज़ें आपको बोलना है। मैं कहता हूँ ठीक है बता दीजिए। तो वो बताता है हमें और हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अगर छोटी स्क्रिप्ट है तो हम बोल कभी कभी कहते हैं आप फोटो ही ले लीजिए, मैं फोटो भी ले लेता हूँ। नहीं तो कुछ बड़ी है, बार बार है, 3-4 डायलॉग्स एक एक दो दो सीन में है, तो हम स्क्रिप्ट दे देते हैं, तो हम पढ़ते रहते हैं और वैनिटी वैन में प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि हमारा सीन कब आ रहा है।
कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि मुझे 7 बजे बुलाया है और मैं 7 बजे पहुंच गया हूँ, 8 बजे मेरा सीन हो गया है, 8:30 बजे मेरा पैकअप हो गया, तो बढ़िया है, 1.5 घंटे में पैकअप। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब मैं मुझे 7 बजे बुलाया, 7 बजे में आ जाता हूँ, टचअप सब हो जाता है, स्क्रिप्ट मिल जाती है, फिर मेरा सीन आता है दोपहर के 4 बजे या 5 बजे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि आप 7, 8, 9, कभी 10 घंटे वेट करते हैं, फिर आपका सीन आता है, सीन आपका हो जाता है, फिर आपका पैकअप होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 7 बजे आ जाते हैं सुबह को, फिर आप वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, शाम के 7 बज जाते हैं, आपका सीन नहीं आता, वो कहते सर आज सॉरी आपका आज सीन नहीं हुआ, आप कल आइए, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, तो ऐसा भी होता है। और इसके बीच में जो 6-7 घंटे के बीच में आपको बता देता हूँ कि सुबह को आपको कॉफ़ी चाय सब मिलता है, नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर को 1-2 बजे के बीच में एक लंच ब्रेक होता है आधे घंटे का, फिर उसके बाद अगर 6-7 बज जाते हैं तो एक नाश्ता भी मिलता है, अगर और भी लेट हो रहा है 10 बज रहे हैं रात के तो खाना भी आ जाता है। तो प्रोडक्शन वाले आपके दे टेक केयर ऑफ़ यू, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी आप अगर घर का खाना लेके जाए तो अच्छा होगा, और कुछ फ्रूट्स लेके जाए फिर भी अच्छा होगा, बिस्किट्स लेकर जा सकते हैं, केला, मैं जैसे मैं जो है मैं 2 पैकेट बिस्किट और 1 केले ले और मैं चटनी ब्रेड लेके जाता हूँ, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खाना इतना खास नहीं लगे तो मैं चटनी ब्रेड खा लूँ या तो बिस्किट खा लूँ फॉर सर्वाइवल। और पानी वहाँ पे मिलता है, रेगुलर मिलता है वहाँ पे, और मैं ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पीता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर जहाँ जाता हूँ उनको पता है, तो वो मेरे लिए वही लेकर आते हैं। फिर इसके बाद जो होता है पूरा, हम बातें करते हैं, जैसे कोई एक एक्टर आ गया वहाँ पे, दो और दोस्ती वोस्ती हो जाती है असिस्टेंट से, डायरेक्टर से, बातें बातें भी करते हैं बीच बीच में, कभी बाहर जाके देखते हैं कि कितना शॉट हुआ है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है। आपने कभी कभी मेरे शूटिंग की वीडियोज़ भी देखे होंगे, जब मैं वेट करता हूँ तो नॉर्मली तभी मैं वो शूटिंग की वीडियोज़ निकालता हूँ। फिर जैसे हमारा पैकअप होता है, ऑलवेज मेक श्योर टू फिल योर इन्वॉइस, उनसे इन्वॉइस मांगिए आप कि आपका जो पर डे रेट है वो उनको डालना होता है आपको। तो आप इन्वॉइस में क्या लिखा होता है, आपका नेम, क्या कैरेक्टर प्ले किया है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन सा सीरियल, कौन सा फिल्म, कौन सा वेब सीरीज़ आपने उसमें प्ले किया है, कौन से प्ले उसमें आपने किया है, कौन से वेब सीरीज़ है, कौन से सीरियल में आपने किया है, उसका नाम डालना होता है, आपका पर डे रेट डालना होता है, अमाउंट इन नंबर्स होते हैं और अमाउंट इन वर्ड्स होता है, ठीक है। जो भी आपका पर डे है आपको उसमें डालना होता है, नीचे टोटल होता है, टोटल आपको डालना होता है, साइन करना होता है, आपके बैंक डिटेल्स पूछते हैं वो डालना होता है, पैन कार्ड नंबर डेफिनेटली पूछते हैं, वो आप कभी भी भूलेगा नहीं डालते वक्त, वो डालना होता है। फिर आपको इन्वॉइस जो है एडी होता है या कोई दूसरा असिस्टेंट होता है, आपको उनको देना होता है। जस्ट मेक श्योर जब भी आप इन्वॉइस भरते हैं उसका फोटो ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है 30 डेज में पेमेंट आता है, 60 डेज में पेमेंट आता है, 90 डेज में पेमेंट आता है। आप एक एक्सेल फाइल या कुछ मेंटेन कर लीजिए आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या आपके मोबाइल पे कि ये दिन पे आपने किया था और ये दिन तक आपको पेमेंट आना चाहिए। कभी कभी लेट भी होता है तो आप फॉलोअप कर सकते हैं। हमेशा ना जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो होता है वहाँ पे, जिसने आपको कॉल टाइम दिया होता है, उनका नंबर हमेशा सेव कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली वहाँ से मैसेज आता है कि आपका चेक रेडी है, ठीक है। क्योंकि हम तो भाई एक्टिंग कर रहे हैं एज अ जुनून, लेकिन पेट भी तो भरना चाहिए, पैसे भी टाइम पे आने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा साइकिल होता है, और जब ये पूरे साइकिल में आप जब वेट करते हैं 7-8 घंटे या समथिंग, मेक श्योर आप दोस्ती बढ़ाइए, कॉस्ट्यूम एडी से दोस्ती बढ़ाइए, कॉस्ट्यूम वाले से दोस्ती बढ़ाइए, डिज़ाइनर से दोस्ती बढ़ाइए, डायरेक्टर से दोस्ती बढ़ाइए, और सबसे आप मिले घुल मिल के रहिए और हम्बल रहिए, शांत रहिए। कभी कभी यस फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार 10 घंटा वेट कर लिया, 11 घंटा वेट कर लिया, ये फ्रस्ट्रेशन अपने आप अंदर रखिए और इस फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्लेस पढ़ता हूँ जब मैं वेट करता हूँ, या तो मैं कोई रीडिंग करता हूँ, कोई नॉवल पढ़ता हूँ, दोस्ती बढ़ाता हूँ, दूसरा एक्टर से, फेलो एक्टर से मिलता हूँ, फोटोज़ खींचते हैं हम लोग बीच बीच में कभी कभी एक दूसरे के, कुछ ऑडिशन दे देते हैं हम, कुछ और कुछ कास्टिंग वालों के नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये एक पूरा एक्सपीरियंस रहता है शूट का। और अब अगर लंबी शूट मिले 10 दिन की 12 दिन की, फिर तो दोस्ती अरे एकदम दूसरे लेवल पर पहुँच जाती है, क्योंकि 10-15 दिन साथ में रहते हैं, ठीक है, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में डम शराट खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है, और एक्टिंग की प्रैक्टिस साथ में करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं कभी कभी, बाहर जाके क्रिकेट खेल लेते हैं, बैट बॉल और स्टम्प्स भी रहते हैं कभी कभी, वो सब चीज़ें भी करते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला जो नए एक्टर्स आने वाले हैं मुंबई में। और प्लीज़ अगर आपको मुंबई आना है, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग अच्छी लेकर आइए, थिएटर अच्छा करके आइए, ठीक है, ऐसे मत आ जाइए कोई ज़मीन बेच के आ रहा है, कोई पढ़ाई छोड़ के आ रहा है, ऐसे मत कीजिए सर। एक एक्टर के लिए जुनून है, बहुत अच्छी बात है, जुनून है, फायर है अंदर, लेकिन क्या है
बहुत स्ट्रगल है, और जैसे मैंने कहा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हर रोज़ हमें कुआं कूदना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तो कभी पानी कम मिलता है, तो कभी पानी ज़्यादा मिलता है, तो कभी पानी मिलता ही नहीं है। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गो कोरोना गो, वी ऑल विल सक्सीड वन डे, वी शैल ओवरकम वन डे, हम होंगे कामयाब एक दिन। बाय बाय।